तो हमारे मोबाइल फोन्स आजकल हम सबके नीड बन चुके हैं, लेकिन मोबाइल फोन्स की भी कुछ कुछ नीड्स होती है जो कि मतलब हमें फुलफिल करनी चाहिए, क्योंकि हम पूरे दिन उनके ऊपर रिलाई कर रहे हैं, उनके ऊपर डिपेंड रह रहे हैं, तो थोड़ी बहुत चीज़ें हमें उनकी भी केयर करनी चाहिए। और मतलब हमेशा प्रोटेक्शन ही केयर नहीं होती, और भी चीज़ें होती है लाइक बैटरी, उनको हम जब मन चाहे तब हम चार्ज पर लगा देते हैं, जब मन चाहे रिचार्ज कर देते हैं, तो वो बिल्कुल सही चीज़ नहीं है। तो इन्हीं सब पॉइंट्स के बारे में हम आज बात करेंगे कि कैसे हम अपने फ़ोन की बैटरी को सेफ रख सकते हैं बिल्कुल। तो ये जो मैं टिप्स आपको देने चाह रहा हूँ, इनके अंदर ऐसा है कि अगर आप इन्हें अप्लाई करते हो, इनको फॉलो करते हो, तो शायद आपकी फ़ोन की बैटरी लाइफ थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए। जहाँ आपके फ़ोन की बैटरी 2 साल चलने वाली है, वहाँ शायद 2.5 साल 3 साल तक चल जाए। क्योंकि हाँ, फ़ोन के बैटरीज की भी लाइफ होती है, वो कभी भी डेड हो सकती है, कभी भी ख़त्म हो सकती है, या फिर चार्जिंग लेना बंद कर देती है, या फिर बहुत कम बैकअप देने लग जाती है। तो ये सब भी उनकी प्रॉब्लम्स होती है। उन सब प्रॉब्लम से कैसे प्रिवेंट करें बैटरी को, तो उन सब के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात कि मोबाइल फोन्स की जो बैटरीज होती है, उनका टेम्परेचर के साथ एक कनेक्शन होता है। मतलब अगर कम टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर, हर तरह का टेम्परेचर उन्हें इफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पीक समर की बात करें, समर सीजन जब एकदम पीक पर होता है, उस टाइम मोबाइल फोन्स की बैटरी स्लो चार्ज होने लग जाती है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि 80-90% से ऊपर बैटरी चार्ज ही नहीं होती। मतलब हमें कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी जिससे कि बैटरी के चार्जिंग टाइम में भी इम्पैक्ट पड़े। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम मोबाइल फोन को चार्जिंग के टाइम में वेल वेंटिलेटेड एरिया पे रखें। मतलब कोई सॉलिड सरफेस हो, या फिर कोई मोबाइल फोन चार्जिंग स्टैंड टाइप का कुछ हो, या फिर कोई चार्जिंग डॉक वगैरह हो। उन सबसे क्या है कि मोबाइल अपनी जो चार्जिंग के टाइम पे जो हीट रिलीज कर रहा है, उसको अच्छे से रिलीज कर पाएगा। और हाँ, चार्जिंग के टाइम पे मोबाइल के बैक कवर को भी उतार देना चाहिए, इससे चार्जिंग टाइम पे एक बहुत सही इम्पैक्ट पड़ेगा। इससे फोन अपनी हीट, जो हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है, उसे अच्छे से रिलीज कर पाएगा। हाँ, बैक कवर्स हार्मफुल होते हैं मोबाइल फोन्स के लिए। अगर आप बैक कवर लगा के रखते हो हर टाइम, आप चार्जिंग के टाइम पे अगर मोबाइल में गेम्स खेल रहे हो, या फिर कोई हैवी ऑपरेशन कर रहे हो, मतलब फोन ऑपरेशन नहीं, कुछ भी बोलता हूँ कभी कभी मैं, मतलब कोई हैवी यूजेज कर रहे हो, हैवी गेम्स खेल रहे हो, तो उस टाइम अगर आपने फोन में बैक कवर लगा रखा है, तो एक तरफ से चार्जिंग की हीट, चार्जिंग के टाइम भी हीट रिलीज होती है, और आप जो यूजेज कर रहे हो उससे भी फोन के कंपोनेंट्स बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो उससे भी हीट रिलीज होती है। तो ये सारी जो हीट रिलीज हो रही है, इसे रिलीज करने में जो बैक कवर है वो रेजिस्ट करता है, तो बैक कवर को उतार देना चाहिए। अगर बैक कवर नहीं रहेगा फोन के ऊपर, तो अच्छे से अपनी हीट को रिलीज कर पाएगा। ये थोड़ा बहुत थर्मोडायनेमिक्स है, और मैंने बताया था कि मेरी साइंस बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो बस आप अपने फोन को बैक कवर से रिलीज कर दो, बैक कवर उतार फेंको। और हाँ, अगर फोन का बैक कवर उतार दिया है, तो प्लीज उसे ध्यान से रखना, क्योंकि कुछ फोन ऐसे होते हैं जिनका अगर बैक पैनल टूट जाए तो बहुत ज्यादा दुख होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक मिथ और है कि अगर आप चार्जिंग के टाइम पे फोन को यूज कर रहे हो तो फोन फट जाएगा, या फिर ऐसा कुछ होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो रेयर केस होते हैं जब और भी चीज़ें मैटर करती है। मतलब क्या पता वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो, क्या पता फ़ोन कहीं उल्टी सीधी जगह रखा हो। उल्टी सीधी जगह क्या होती है, मतलब शायद और भी कंडीशंस मैटर करती है, लेकिन फ़ोन इस वजह से तो नहीं फटता कि अगर आप चार्जिंग के टाइम पे फ़ोन को यूज़ कर रहे हो तो। नेक्स्ट पॉइंट है चार्जिंग एडेप्टर्स और डेटा केबल, जिन्हें आप यूज़ करते हो फोन को चार्ज करने के लिए। तो प्लीज़ अगर आपके पास कोई जेनेरिक, जो भी लोकल, कोई भी चाइनीज ब्रांड का कोई भी चार्जर है, तो प्लीज़ उसे फेंक दो। लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है कि मोबाइल को क्या वोल्टेज चाहिए, 5 वोल्ट का चार्जर होना चाहिए, आपका फोन कितनी ज़्यादा वोल्टेज को सपोर्ट करता है, उस टाइप का अगर आपने चार्जर खरीदा तो वो ओके है। बट अगर आप स्लो चार्जर, कोई पुराना नोकिया 3310 टाइप का चार्जर यूज़ कर रहे हो, तो वो ऑब्वियसली आपके फोन को बहुत स्लो चार्ज करेगा, और स्लो चार्ज करेगा तो हाँ, आपके फोन की बैटरी पे इम्पैक्ट तो जरूर पड़ेगा। और डेटा केबल्स की तो मैं क्या बात करूं, डेटा केबल्स के मैं ज्यादा साइंस में नहीं जाऊंगा। बस आप इतनी सी बात ध्यान रखें कि केबल जितनी मोटी होगी उतनी ज्यादा ड्यूरेबल होगी, और जितनी छोटी होगी उतनी ही ज्यादा फास्ट होगी। तो बस डेटा केबल ऐसी परचेज करो जो कि सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो, क्योंकि बार बार डेटा केबल खरीदना, 100-150 रुपए की डेटा केबल बार बार खरीदते रहोगे तो बार बार खराब होती रहेगी, आपका मतलब बजट हिल जाएगा। नहीं यार, 100-150 रुपए से बजट नहीं हिलता। नेक्स्ट पॉइंट ये कि जो भी गेम्स या फिर सोशल मीडिया एप्स वगैरह आप बार बार ओपन करते हो, बार बार यूज करते हो, तो प्लीज उन ऐप्स को किल मत करिए। मतलब बैकग्राउंड में चल रहे हैं तो चलने दीजिए, और ऐसा कोई टास्क मैनेजर ऐप टाइप का या फिर कोई क्लीनर टाइप का ऐप यूज मत करिए जो कि बैकग्राउंड प्रोसेसेस को किल कर दे। बिकॉज एक बार तो वो किल कर देगा उन प्रोसेसेस को जब वो बैकग्राउंड में खुली होगी, लेकिन फिर जब वो रीस्टार्ट होगी, आप बार बार उसे खोलेंगे, बार बार किल करेंगे, बार बार खोलेंगे, बार बार किल करेंगे, तो बार बार रीस्टार्ट होगी तो वो ज्यादा कंपोनेंट चूज करेगी, बार बार CPU GPU अपना प्रोसेसिंग करेंगे, और उससे आपकी बैटरी ज्यादा कंज्यूम होगी, इससे भी बैटरी लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो बस आप जो भी ऐप्स बार बार यूज करते रहते हैं, उन सबको प्लीज क्लोज ना करें। और ऐसी क्लीनर टाइप की ऐप्स तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा, बिल्कुल बकवास होती है, इन्हें यूज मत किया करें। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाले टिप ये है कि अगर आप फोन को चार्ज कर रहे हो, तो उसे सिर्फ
0-50% तक चार्ज करना सफिशियंट है। अब बैटरीज होती है लिथियम आयन बैटरीज होती है या फिर लिथियम पॉलीमर बैटरीज जो भी होती है, मुझे नहीं पता केमिस्ट्री मुझे बिल्कुल नहीं आता। तो जिस भी केमिकल के टाइप की आपकी बैटरी है वो अंदर अंदर रिएक्शन होती है, उसके अंदर क्या होता है कि आपका फोन 0-50% तो बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है लेकिन 50-100% बहुत लेट चार्ज होता है, मतलब टाइम ज्यादा लगाता है। तो अगर आप 0-50% बार बार चार्ज कर लो, अगर आपके पास टाइम है तो आप बार बार 0-50% चार्ज करो, फिर जब वो 15-20% पे आ जाए तो वापस उसे 50 तक चार्ज कर लो, इससे बहुत ज्यादा टाइम बचता है। और चार्जिंग टाइम की बात आ गई है तो एक और मिथ है कि अगर आप फोन को बिल्कुल 0% ले जाके फिर अगर 100% चार्ज करोगे तो आपकी बैटरी रिकैलिब्रेट हो जाएगी या फिर ऐसा कुछ हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ है। अगर कोई ऐसा बोलता है तो आप प्लीज उसे ये वीडियो दिखा देना बस, क्योंकि मैं गारंटी लेता हूँ कि ये झूठ है। और अब अगर मिथ्स की बात हो रही है तो एक और मिथ के बारे में बात करते हैं कि आपको फोन को ओवरचार्ज नहीं करना चाहिए या फिर ओवरनाइट चार्ज में लगा के नहीं रख देना चाहिए, 100% के बाद भी चार्ज में लगा के नहीं रख देना चाहिए। तो बस एक बात याद रख लेना कि मोबाइल फोन स्मार्ट हो चुके हैं इसलिए उन्हें स्मार्टफोन्स बोला जाता है। मतलब क्या फैक्ट दिया है मैंने, तो सिंपल सी बात है कि मोबाइल फोन स्मार्ट हो चुके हैं अगर आप उन्हें ओवरचार्ज करते हैं या फिर ओवरनाइट चार्जिंग पे लगा के रखते हैं या 100% के बाद भी अगर चार्ज में लगा के रखते हैं तो फोन अपने आप इनपुट लेना कट कर देता है, मतलब फोन अपने आप इनपुट लेना बंद कर देता है, चार्जिंग लेना बंद कर देता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप अपनी बैटरी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना जिन बंदों को जरूरत हो, जिन बंदों को इसके बारे में जानना हो प्लीज शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप चैनल में नए हो तो। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद।